सुंदर वास्तुकला व बेमिसाल आधारिक संरचना का यह बेजोड़ नमूना भारत के 27वें राज्य उत्तराखंड में मौजूद है, जहां आज भी गढ़वाल के राजा व उसकी राजशाही के ऐतिहासिक चिन्ह और राजवंश से जुड़े रहस्यमयी अभिलेख मौजूद हैं। पंवार वंश के 37वें शासक राजा अजय पाल ने इस स्थान को अपने राज्य की राजधानी घोषित किया, जिसका नाम है देवलगढ़। देवभूमि उत्तराखंड में पौड़ी जिले के ब्लॉक खिरसू अंतर्गत 52 गढ़ों में से एक है देवलगढ़, जो देवी देवताओं के भव्य मंदिरों व धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा राजवंश की प्रचलित लोक कथाओं व संबंधित तथ्यों के लिए लोकप्रिय है। जाता है कि देवलगढ़ का नाम हिमाचल के कांगड़ा प्रदेश के राजा, जिनका नाम देवल था, उनके द्वारा यहां मौजूद मंदिरों के जीर्णोद्धार किए जाने पर रखा गया। यहां मौजूद सुरक्षित वह स्थान जहां से राजा अपनी प्रजा को संबोधित करते व फैसला सुनाया करते थे, इन कथाओं के सत्य होने का प्रमाण है। देवलगढ़ का जो स्थानीय नाम है वो दिल गॉड यहाँ कहते हैं, और ये द्वितीय राजधानी थी परमार वंशों की, क्योंकि पहली राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। और देवलगढ़ का नामकरण जो हुआ, ये कहा जाता है कि हिमाचल के कांगड़ा प्रदेश के एक राजा थे देवल नाम के, वो यहाँ आए थे और उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, इसलिए इसका नाम देवलगढ़ पड़ा। एक अन्य कहानी चलती है कि यहाँ देवल ऋषि नामक यहाँ उनका आश्रम था, इसलिए इसका नाम देवलगढ़ पड़ा। और हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ मंदिर थे, देवस्थान था, तो उसका उससे भी इसका नाम देवलगढ़ पड़ सकता है। देवलगढ़ में राजा जो अजय पाल थे, वो बहुत कम समय में यहाँ, ऐसा लगता है कि कम समय में रहे होंगे। उसके बाद वो राजधानी श्रीनगर शिफ्ट कर चुके थे, और उसमें उन्होंने यहाँ एक छोटा सा महल जो टाइप का बनाया था यहाँ, और उसमें अपनी कुल देवी, जो राजाओं की कुल देवी है राजेश्वरी, राजराजेश्वरी, उसकी स्थापना की थी। उसके अलावा यहाँ कई और मंदिर हैं, जैसे गौरा देवी का मंदिर जहाँ हम बैठे हुए हैं, और उसके बाद मुरली मनोहर का मंदिर है, और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और क्षेत्रपाल का मंदिर है, भैरव देवता है, और उसके अलावा आपका बगुलामुखी, वो उनकी भी वो हैं यहाँ, और यहाँ बाबा सत्यनाथ की भी यहाँ स्थल था, तो इस दत्तात्रेय का भी यहाँ वो है, और यहाँ यंत्र भी हैं काफ़ी, उसमें कामाख्या देवी का वो है, उसमें महाकाली का है, लक्ष्मी का है, और बगुला मुखी जो देवी है उस उनके यहाँ यंत्र है, और यहाँ जो राजराजेश्वरी है वो उसका जो पूजा होती है वो यंत्र स्वरूप उसकी पूजा होती है।
और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सारे जो कई धर्म हैं और पंथ हैं उनका यहाँ एक जमोड़ा टाइप का यहाँ लगता है, जैसे आप शैव धर्म के भी हैं और यहाँ वैष्णव धर्म के भी हैं, यहाँ शाक्त धर्म भी है और यहाँ नाथ संप्रदाय भी है, तो इस तरह एक कई धर्मों का कई उनका मिश्रण यहाँ है, जो बहुत अच्छी बात है यहाँ के लिए। यहाँ नजर आने वाले मंदिर इत्यादि मध्यकाल के बताए जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 1512 ईस्वी में पंवार वंश के राजा अजयपाल ने राजधानी चांदपुर किले से उठाकर देवलगढ़ में बसाई थी। लंबे समय तक राजा अपने शाही दल के साथ यहाँ रहे और अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर स्थापित किया। देवलगढ़ के विषय में बहुत सी लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार चंपावत के राजा ने देवलगढ़ पर चढ़ाई कर राजा अजयपाल की सेना को परास्त कर दिया। राजा अजयपाल भागकर एक पहाड़ी पर जा पहुंचे और भगवान शिव की आराधना करने लगे। राजा की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न शिव ने राजा को सत्यनाथ भैरव के रूप में दर्शन दिए और अपना विशाल शरीर बना राजा को अपने कंधे पर बैठा लिया। राजा की दृष्टि सुदूर हिमालय व शिवालिक श्रेणी तक पहुंची। शिव ने राजा को वरदान दिया कि जहां तक उसकी दृष्टि गई है वहां तक का राज्य उसका हो जाएगा। शिव के आशीर्वाद से राजा ने एक एक कर समस्त राज्यों को जीत कर उन्हें अपनी विरासत का अंग बना लिया। अगर हम इसको पुरातत्व की दृष्टि से देखें इसको, तो हम जो मंदिर का जो यहाँ पर समूह हमें दिखता है, कई मंदिर हमें यहाँ पे दिखते हैं, और उल्लेखनीय है कि मंदिर एक ही शैली में यहाँ पे नहीं बने हैं। मूल शैली एक है जिसे स्थायी रूप से नागर शैली बोला जाता है। नागर शैली का यहाँ पे हमें जो मंदिर मेरे पीछे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नागर शैली, इसमें हमको मंदिर का शिखर यहाँ पर है, मंडप भाग यहाँ पे दिखता है, अंतराल यहाँ पे नहीं है, लेकिन मंडप और एक शिखर भाग हमें यहाँ पे दिखता है। मंदिरों का द्वार जितने भी लोग जो उत्तराखंड के मंदिरों या फिर और भी कहीं जो विधान से जो मंदिर जिन मंदिरों का निर्माण किया गया है, अगर हम उसे देखेंगे तो मंदिरों का द्वार हमें बड़ा संकरा दिखाई देता है और उस अनुपात में उसकी ऊंचाई हमें थोड़ा दिखती है। तो एक विधान है मंदिरों के द्वार को बनाने का कि जितनी उसकी द्वार की चौड़ाई होगी उसी अनुपात में दुगना उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, और ये लिखित विधान है, इसी विधान को अपनाकर मंदिरों के द्वार बनाए जाते हैं। एक्चुअल में हेरिटेज का जो कंसेप्ट है, जिस चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पे टूर में आए, हेरिटेज को सिर्फ हम लोग विल्ड हेरिटेज के रूप में नहीं देखते हैं। हेरिटेज के अंतर्गत हम लोग उन सब चीज़ों को भी समाविष्ट करते हैं जो एक समाज की पहचान होती है, जैसे उसकी संस्कृति, उसके मेले त्यौहार, उसके खाना पीना। और क्योंकि गढ़वाल के कंटेक्स में ये देखा गया है कि यहाँ पर वेराइटी ऑफ कल्चर हैं, मेले त्यौहार बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, और इसके साथ साथ में हर एक क्षेत्र की अपनी एक परंपरा रही है। तो ये जो प्रयास है हेरिटेज वॉक का, ये तभी फलीभूत हो सकता है जब हम इसकी संस्कृति को अलग अलग रूपों में देखने का प्रयास करेंगे। इट्स अ प्लेस ऑफ एंशिएंट एज वेल एज द मिडिवल आर्किटेक्चर
and various temple shrines are there in this place. We have visited the so many places are there. We have visited a kind of cave or a kind of tunnels and canals are there, and it's a very amazing and a magnificent and a wonderful place which is to be explored in the future also. And as in heritage, if you are talking about this place, it has its own historical value. And beside it, if you find the place, that has a kind of transition from ancient to the medieval time period as well. परंपरा तो हम तो भूलू नहीं चाहते किले के हम इसी जुड़े छा वो हमारी जड़ से तो कभी भी जड़ते कभी भी भूलू नहीं चाहते उखी रही चाहते जड़ी बटी जो कुछ मिल दो हम ते बस. और मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह और हम बहुत कुछ सीखना तो मिली. देवलगढ़ स्थित मंदिर की इन दीवारों पर लिखे शब्दों का मतलब क्या है? यहाँ उकेरे गए चिन्ह गढ़वाल के इतिहास की कौन सी हकीकत को बयां कर रहे हैं? यह अब भी रहस्य बना हुआ है. क्या वास्तव में इस स्थान पर स्वयं शिव प्रकट हुए? आखिर यहां मौजूद श्रीयंत्र की सच्चाई क्या है? शायद निकट भविष्य में इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे. लेकिन इन सब के अलावा मंदिर निर्माण की यह अनोखी शैली, दीवारों पर की गई सुंदर बारीक नक्काशी, उस वक्त के शिल्पकार, मूर्तिकार व कारीगरों की प्रतिभा और वास्तुकला के संबंध में उनके धार्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान को बखूबी प्रदर्शित करता है. फर्स्ट हेरिटेज वॉक जो हिमालय में स्टार्ट किया हमने इन द बैनर अंडर द बैनर ऑफ हिमालयन हेरिटेज वॉक. सो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी. एंड सेकेंड जो थर्ड इसमें पार्ट हमारे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे हैं, दैट टीम इज फ्रॉम अ ऋषिकेश फोटोग्राफी क्लब.